बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि BSSC की परीक्षा एक बार फिर से चर्चा का विषय बनी हुई है। कल यानी कि शुक्रवार 23 दिसंबर को BSSC ने तृतीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन करवाया था। यह परीक्षा दो पालियों में आयोजित हुई थी। पहली पाली की परीक्षा शुरू होने के 53 मिनट बाद ही प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद इसकी जाँच की गई है और इसमें पाया गया है कि प्रश्न पत्र सही था। उसके बाद इसकी जांच EOU को सौंप दी गई है। EOU ने इसके लिए एक अलग टीम बनाई है, एक स्पेशल टीम इसके लिए जांच के लिए बनाई है। इस पे शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का कहना है कि अगर तथ्य में सच्चाई पाया जाता है कि परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ था, तो पहली पाली की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा। दरअसल कल पहली पाली की परीक्षा आरम्भ होने के 53 मिनट बाद ही प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद जब इस वायरल प्रश्न पत्र की पुष्टि करवाई गई तो यह पाया गया कि यह सही है, जिसके बाद इस पूरे मामले में आर्थिक अपराध इकाई यानी कि EOU ने FIR दर्ज कर ली है। साथ ही इसके जांच के लिए एक स्पेशल टीम भी बनाई गई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने वायरल प्रश्न पत्र मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई यानी कि EOU को सौंप दी है। EOU को आयोग ने कुछ तथ्य भी भेजे हैं, इसकी जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि आयोग के सचिव सुनील कुमार ने अभी परीक्षा को रद्द करने की बात नहीं कही है। उन्होंने बताया कि परीक्षा को लेकर आयोग काफी गंभीर व संवेदनशील है। यदि प्रश्न पत्र केंद्र से बाहर आने और इसके परीक्षा प्रभावित होने की बात थोड़ी भी सही पाई गई तो प्रथम चरण की परीक्षा रद्द करने में विलम्ब नहीं किया जाएगा। आयोग के अनुसार परीक्षा में कुछ प्रशासनिक त्रुटियां सामने आई हैं, इसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। इधर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने भी बयान जारी कर कहा कि पहले मामले की जांच की जाएगी, अगर जांच में कुछ गड़बड़ी पाई गई तो परीक्षा रद्द की जाएगी। गौरतलब हो कि शुक्रवार को राज्य के 38 जिलों में 538 केंद्रों पर दो पालियों में परीक्षा का आयोजन हुआ था। दोनों ही पालियों को मिलाकर 5.5 लाख से अधिक परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए। पहली पाली में ही पेपर लीक होने की अफवाह उड़ती रही, प्रश्न पत्र वायरल होता रहा। हालांकि दूसरी पाली की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। छात्रों का आरोप है कि जब प्रश्न पत्र बाहर नहीं आया था तो यह वायरल कैसे हुआ। परीक्षार्थी और छात्र संगठनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग की है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।